जय भीम साथियों, आज लोकायत में हम लोग पूरे आज के परिदृश्य में अंबेडकर वारी आंदोलन और भारत के अंदर बुद्धिस्ट आंदोलन और पूरे सवालों पर चर्चा कर रहे हैं श्री अनिल गायकवाड़ से। डॉक्टर अनिल गायकवाड़ जो हैं वो बुद्धिस्ट वॉइस नाम की एक पत्रिका है, उसके संपादक हैं। और उसके अलावा जो है उन्होंने पीएचडी किया हुआ है दलित एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के, वो बहुत बड़ा एक विषय है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय जय भीम। मैं जानना चाहता हूँ कि बुद्धिस्ट वॉइस जो मैगजीन आपने स्टार्ट किया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट और कब स्टार्ट हुआ है? भी। ये क्या हुआ कि मैं जब बहुत सारी पत्रिका पढ़ रहा था, उसमें देखा कि जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो एक ऐसा कोई मैगजीन नहीं है, और वो जो बुद्धिज्म को डेडिकेटेड हो। हमारे पास पॉलिटिकल काफी मैगजीन्स है, और जो डाउन टोडन लोगों के इश्यूज लेने वाले भी है, दलित लोगों के इश्यू लेने वाले भी है, लेकिन ऐसा एक बुद्धिज्म को लेके कोई मैगजीन नहीं था। तो मैं सोचा कि एक तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर इंडिया से कोई अगर मैगजीन हो जाए जो इंडिया के बुद्धिस्ट का व्यू सामने रखता है, तो ये सोचकर हमने जब इसके बाद में पता चला कि नहीं है तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे कोई दोस्त, एक दो दोस्त भी थे, उनको साथ भी बात हुई, तो उसके बाद में हमने डिसाइड किया कि हमने ये चालू करते हैं। हम ये चालू किए थे जून 2013 में, टू और 2013 में उसके बाद में जब हमने शुरू में इसका जो कॉन्सेप्ट आया तो पूरा बुद्धिज्म को डेडिकेट था, लेकिन इंडिया में पर्टिकुलरली अपने भारत देश में अगर हम बुद्धिस्ट लोगों का अगर रिव्यू नहीं रखते हैं तो वो मैगजीन पूरी तरह से सब सब इशू को कन्वर्ट कवर नहीं कर पाएगा। तो हमने फिर इसमें क्या किया कि ये मैगजीन में हमने दो तीन चीजें रखी। एक तो कि हम बुद्धिज्म के बारे में भी बात करेंगे, और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट क्या हैपनिंग्स है उसके बारे में भी बात करेंगे, और जो इंडियन बुद्धिस्ट लोग हैं वो ट्रेडिशनली ओवर द पीरियड क्या क्या, पर्टिकुलरली जो 1956 के बाद जो बुद्धिस्ट बने हैं तो उनका क्या क्या इश्यूज है, उनके उनको क्या क्या अड़चनी आती है, उनको क्या डिफिकल्टीज फेस होती है, और उनके इकोनॉमिकल और सोशल क्या इश्यूज है, इसके बारे में भी बात करें। तो हमने फिर इसको तीन भाग में डिवाइड कर लिया, जिसमें बुद्धिज्म का प्योर बुद्धिज्म की बात करते हैं, फिर इंटरनेशनल लेवल पे बुद्धिज्म में क्या चल रहा है, और दूसरा यहाँ के बुद्धिस्ट जो लोग हैं उनके इश्यूज, और एक जो है कि दूसरा लोकल अगर कोई प्रोग्राम उसको प्रमोट करने हैं तो वो प्रोग्राम के बारे में। तो ऐसे तीन चार सेक्शन लेके हम चले हैं। तो बेसिकली दिस इज मैगजीन डेडिकेटेड टू बुद्धिज्म, और इसमें सारी जो दलित जातियां हैं उनका कोई मतलब नहीं है, जो ज्यादा दूसरी जो बुद्धिस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम तो इसमें जो हम तो ऐसा मानते हैं कि बहुत सारे लोग ऑन पेपर अगर बुद्धिस्ट नहीं है लेकिन मन से बहुत सारे बुद्धिस्ट हैं, और 1956 के बारे में जो जो अंबेडकराइट है, जो जो अंबेडकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को मानते हैं, वो सभी हम समझते हैं कि भले वो पेपर पे नहीं बुद्धिस्ट हो या बता नहीं रहे हो, लेकिन वो जो अगर बाबा साहब की फिलोसॉफी को मान रहे हैं, और बाबा साहब का जो अंतिम संदेश था कि हिंदुज्म को छोड़ के आप बुद्धिस्ट बन जाओ, वो अगर मानते हैं तो सभी उनके सभी के लिए है। आज हमारे पास ऑफिशियली आई थिंक 94 लाख कोई एक बुद्धिस्ट लोगों का, अगर लास्ट 2011 का सेंसस की बात करेंगे तो 96 लाख ही दिखते हैं बुद्धिस्ट, और वो बहुत कम ये है। अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो महाराष्ट्र में उसकी संख्या आती है करीब करीब 5.8%, लेकिन बाकी स्टेट में तो वो नहीं आते। जो ज्यादा करके बुद्धिस्ट जो खुद को डिक्लेयर करते हैं वो हम बुद्धिस्ट है, वो महाराष्ट्र में है, और बाकी उसके बाद में जो सेकंड यूपी में आता है। तो ऐसे सब लोग जो अम्बेडकर राइट है उनको कवर कर रहे हैं। हाँ, इसमें कोई वो जो मतलब उसको हम दलित बोलेंगे, दलित हाँ शब्द यूज करने के लिए अभी तो मनाई की है, लेकिन उसमें जो कैटेगरी में आ रहे हैं लेकिन वो अम्बेडकर राइट नहीं है, उनके प्रश्न अगर आते हैं हमारे पास या हमारे वो प्रवाह में आते हैं तो हम उसको लेंगे, लेकिन हमारा प्रिडोमिनेंटली अम्बेडकर राइट लोगों की ही कंसर्न है हमारा, कि हमारा रीडर जो है अंबेडकर राइट लोग है। अच्छा, नहीं, अम्बेडकर राइट में जैसे हमारे जैसे बहुत सारे जो दूसरे सेक्ट को मान रहे हैं, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा हुआ था विद इन द दलित मूवमेंट, और जिसपे जैसे रविदासी हैं, वाल्मीकि हैं, सत्यनामी हैं, और भी बहुत सारे सेक्ट्स हैं, तो मैं उनकी बात कर रहा था। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो कई कारणों से जो है नहीं बोलते हैं, हालांकि इतने डरने की जरूरत नहीं है,
आज की परिस्थितियों में, आज जब बाबा साहब का जो सबसे बड़ा मैसेज है और जो दुनिया के अंदर इसको स्वीकार किया जा चुका है, तो उसमें कोई घबराने का, किसी को जो घबराता तो फिर कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो ये सेक्ट्स हैं, जो जैसे रविदासी, सतनामी, वाल्मीकि, इनको लेकर के आपके उस पे क्या वो है पोजीशन? अभी आज तक के हमारे जितने इश्यूज आए इसमें, इसको लेके हमारे पास ऐसा कुछ, हमने कोई मटेरियल उसमें कुछ प्रिंट नहीं किया है, क्योंकि इस टाइप का या उस टाइप का कुछ हमारे पास, हमने, हम तो लोगों को आर्टिकल मांगते रहते हैं, इश्यूज जो आते हैं उसके ऊपर भी लिखने को बोलते हैं, तो वो ऐसे इश्यूज नहीं आए हैं तो अभी। लेकिन हमारा जो है कि हम कोई एक्सक्लूसिव अम्बेडकराइट, ये बड़ा टर्म है, ये एक्सक्लूसिव सिर्फ वो बुद्धिस्ट के लिए ही नहीं होता है, तो बहुत सारे अभी अगर आप कर्नाटका में जाओ, तमिलनाडु में जाओ, तो बहुत सारा अम्बेडकराइट है, लेकिन अपने आप को बुद्धिस्ट नहीं बोलते, उनको भी हम कवर करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अम्बेडकराइट एक बड़ा टर्म है, उसको हम कवर करते हैं। हाँ, बेसिकली मतलब जो है, जो लोग अपने को अम्बेडकराइट कहते हैं, वेदर दे आर बुद्धिस्ट और नॉट बुद्धिस्ट, आप उसको कवर कर रहे हैं। यस यस, वही पॉइंट मैं कहना चाह रहा था। अभी तक जो है कितने कितने इश्यूज के आ चुके हैं, मतलब इसका ये मंथली है या व्हाट इज द इस पीरियड सीरीज? शुरू में तो हमने डिसाइड किया था कि हम इसको पर मंथ निकालेंगे। अच्छा। पहले 3 महीने हमने निकाला कंटिन्यूअस 3 इशू, लेकिन बाद में हमको रियलाइज हो गया कि उसमें इसको अगर रेगुलर निकालना है तो हमको एक पूरी एक एस्टेब्लिशमेंट चाहिए, उसके लिए आर्थिक सपोर्ट भी चाहिए, और ये हम तो इसमें, ये तो जी मैगजीन होने से हम इसको बनाते हैं, लोगों को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, हमको आज तक किसी एक पैसा भी किसी ने डोनेशन, हम मांगते हैं लेकिन किसी ने दिया नहीं है, तो हम इसको फिर उसको थोड़ा सा हमारा गैप होता गया, जिसमें फिर मेरा PhD चल रहा था तो मेरे को भी 2 साल निकालने में, अभी तक हमारे 8 इशू आ चुके हैं, और ये इशू के बाद में हमने ये डिसाइड किया है कि अभी हम इसको क्वार्टरली निकालें, महीना पर मंथली निकालना जरा डिफिकल्ट है, अनलेस एंड अंटिल पूरा एस्टेब्लिशमेंट है। हालांकि हमारे पास मटेरियल तो इतना रहता है कि हम मंथली निकाल सकते हैं, हमने शुरू में किया था, लेकिन हम अभी सोच रहे हैं कि इसको हम क्वार्टरली निकालें, अभी नेक्स्ट इशू की हम तैयारी कर रहे हैं जो जुलाई में आने वाला है। तो अनिल जी, ये बुद्धिज्म में आपका जो जो दिलचस्पी था, जो इंटरेस्ट था, ये कब से स्टार्ट हुआ? मैं इसको थोड़ा हिस्ट्री में बैक में चला जाऊंगा, जब मैं बेसिकली औरंगाबाद से हूँ, तो औरंगाबाद में अगर जब मुझे जब से समझने लगा है, तब से एक मोमेंट चली थी, वो नामांतर की मोमेंट आपको पता होगा, तो और उसका जो सेंटर था औरंगाबाद में, भड़कल गेट नाम का एरिया था, वहां पे बाबा साहब का एक बड़ा स्टैचू था, और जितने भी सभाएं होती थी, जितने भी प्रोग्राम होते थे, वही होते थे, और वहां से मैं और हमने उसके इतने स्पीचेस सुने, कोई अगर हमारे यहाँ कोई जैसे एक डी संगरक्षित नाम के भिक्षु थे जो लंदन से आए थे, तो उनको रिसीव करने हम गए थे, और उनके जो प्रोग्राम हुआ वो सब में मेरा हिस्सा था, मैंने इवन मेरे पास तब एक मैं आई थिंक 9th स्टैंडर्ड में होगा, तो मेरे पास एक कैमरा था, तो मैंने फोटो भी उसके लिए थे। अच्छा। तो उस तरह से एक्टिविटी, इसके अलावा एक और चीज हो गई मेरे साथ कि एक डॉक्टर हेमा धम्मो नाम के बनते ही है, जो भिक्षु संघ के अभी डिसिप्लिन इंचार्ज है, तो वो भी उस वक्त पढ़ रहे थे औरंगाबाद में, और मेरे से 5-6 साल से बड़े थे, और उनमें उनके हॉस्टल में ऐसा कुछ हुआ था, झगड़ा या अनप्लेजेंट इंसिडेंट हुआ था, तो उनको हॉस्टल में रहना मुश्किल था, तो वो जब एक तो स्टूडेंट थे, तो हमारे फैमिली ने उनको बोला कि भाई आपको अगर तकलीफ है तो आप हमारे साथ आइए, तो हमने एक हमारा एक रूम, मतलब अभी क्या है कि उस वक्त हमारे छोटे छोटे घर थे, हमारा जो ड्राइंग रूम था, तो हमने उनको दे दिया था कि भाई तुम रहो, हम भी मतलब जाते आते रहेंगे, लेकिन तुम यहाँ पे रहो, यहाँ पे एक बिस्तर है, तुम्हारे बुक्स के लिए हमने एक कपाट दे दिया वगैरह, वो हमारे साथ रहेंगे। तो जो मतलब 5th, 6th स्टैंडर्ड में मुझे याद है कि 6th स्टैंडर्ड में ही हमको पूरी वंदना वगैरह सब याद हो गई, और बंदे जी हमको रोज प्रार्थना लेने के लिए मतलब कंपल्शन करते थे, और एक वो बहुत अच्छा हुआ, तो हमको बुद्धिज्म का जो बेसिक चीजें है उसके उनको रोज उनका एक प्रवचन होता था, तो वो प्रवचन से हमको पता चला कि बुद्धिज्म क्या है, जबकि हमारे की बहुत कम उम्र के थे हम, और मेरी दादी जो है, मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि सी वॉज वेरी रिलीजियस, लेकिन उस वक्त वो मतलब ये बंटी जी हमारे पास आने के पहले वी वेयर मतलब फॉलोइंग हिंदुइज्म, तो हमारे पास भगवान के फोटो थे, हमारे पास मूर्तियां थी, और जब बंटी जी का हमारा जब इंट्रैक्शन हुआ, तो मेरी दादी
जब उनका उम्र मतलब करीब करीब 70 साल के आसपास होगा, उन्होंने एक दिन उठा के पूरे जो भगवान की जो मूर्तियां थी वो बेच दी और अच्छा फोटो हमने हमने किसी और को दे दी कि भाई तुम्हारा उतारे है तो हमको हमको नहीं संभालना। और उसके बाद में तो मेरे घर में पूरे का पूरा बुद्धिज्म का वातावरण हो गया। और आज तक मतलब अब सब भाई बहन सब सब बुद्धिज्म के पहले से एकदम बिल्कुल स्ट्रिक्ट फॉलोअर है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर एक ट्रेडिशन है जो हर फैमिली में जो बाबा साहब के फॉलोअर्स हैं वो तो शुरुआती दौर से ही जो है 56 के बाद से 1956 के बाद से बहुत से लोगों ने एम्ब्रेस किया, और उसके बाद जो है महाराष्ट्र में लगातार लोग जो है बुद्धिस्ट बने और एक बुद्धिस्ट कल्चरल वैल्यू जो है आने लगी। जो मुझे महाराष्ट्र के बारे में सबसे अच्छा लगता है वो ये लगता है कि वहाँ बुद्धिज्म का लोगों ने पूरी तरह से जीवन में जो है उनके बदलाव आया जो शायद दूसरी जगहों पे हमें भी दिखाई नहीं देता। मतलब दूसरी जगह बुद्धिज्म मोर पोलिटिकल है, कल्चरल नहीं दिखाई देता कि जो कल्चरल प्रैक्टिसेज अभी वही है, लेकिन महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा चेंज मैंने देखा तो कल्चरल प्रैक्टिसेज हैव बीन चेंज्ड, और वो एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि पॉलिटिक्स तो लोग करते ही हैं, लेकिन जो रियल चैलेंज जो हमारे देश के अंदर ब्राह्मणिज्म को अगर काउंटर करना है तो बुद्धिज्म का जो काउंटर कल्चर है वो ही आना जरूरी है, और वो महाराष्ट्र में दिखाई दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके जो पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स से आपके पिता या दादा दादी, उनकी कोई मूवमेंट से कोई रिलेशनशिप थी बाबा साहब के आंदोलन से? मेरे मतलब पिताजी, हाँ जी बताता हूँ, हमारा जो नेटिव प्लेस है वो दैट इज कॉल्ड जालना। तो जालना जी जालना दिस इज 65 किलोमीटर से औरंगाबाद से। तो उस वक्त क्या था कि बुद्धिज्म क्या है ये हमको तो कुछ ज्यादा पता नहीं था, या मेरे इवन मेरे पिताजी की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन 1950 के आसपास मेरे जो पिताजी है वो जालना से छोड़ के मतलब पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने 10th तक वहां पे मतलब पहला वो ये होता था SSC जो होता था वो 11th में होता था। तो मैट्रिक खत्म करने के बाद वो बॉम्बे आए थे और वो बाबा साहब को बाबा साहब की बहुत सारी सभाएं उन्होंने सुनी थी। और एक बार तो उनके घर गए, राजगृह गए, और वो और उनके एक दोस्त, तो उन्होंने पैर छुआ था, बाबा साहब ने उनको डंडे से मतलब एक मारा भी था कि भाई तू मेरे पैर मत छुना। वो हमको अच्छा बहुत बहुत बार बताते थे। अच्छा और उसके जो राजगृह के बाजू में कोई एक आम का पेड़ हुआ करता था, अभी अभी तो मैं कुछ दिखता नहीं होगा भी कहीं, तो वो पेड़ के ऊपर चढ़ के बाबा साहब को देखते थे वो और उनके दोस्त। तो वो उनकी यादें रहती। और वो बाबा साहब से बॉम्बे में रहने के कारण बहुत सारी सभाएं करने से उनमें बहुत सारी अपने साथ क्या बुरा हो रहा है इसकी बहुत अच्छी चीज जानी हुई। और वो हालांकि एक बहुत जालना के बाजू में खेड़ा है वहां से आते थे, तो वहां पे उन्होंने वो सब सब एक्सपीरियंस किया था कि गांव में कैसा कैसा तकलीफ होता है, कैसा कास्टिज्म होता है, वो सब एक्सपीरियंस था। तो वो उनका उसके बाद में तो जैसे वो बॉम्बे में रहे क्योंकि उनको बॉम्बे पोर्टर्स में नौकरी गई, और मेरी मम्मी को फिर बाद में औरंगाबाद में नौकरी मिली, तो हम औरंगाबाद से। तो वो मतलब एक हिंदू धर्म का एक जो पूजा पाठ का छोड़ के बाकी वो अम्बेडकराइट थे। लेकिन शुरू से वो उसकी हाँ क्योंकि सोच वो थी, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा जो 22 प्रतिज्ञा वो 1956 में आया, जी लेकिन जी उसमें इतना ये नहीं हुआ था, लोगों को बताया नहीं, मतलब अवेयरनेस नहीं था। बाबा साहब को फॉलो करना है बस, वो उस वक्त यही था कि बाबा साहब को फॉलो करना है और बाबा साहब जो बोलते हैं वो करना है। लेकिन ये जो एस्पेक्ट है कि हमको हिंदू धर्म को छोड़ना है, ये शायद 1956 के बाद आया, लेकिन उसको शुरू के पीरियड में कोई इतना ये नहीं किया, किसी ने प्रोपोगेट नहीं किया। लेकिन ये जो मैं जो घंटे की बात कर रहा था, जी वो जब औरंगाबाद में आए, वो आए होंगे 72 73 के आसपास, जी उन्होंने और दो तीन और भिक्खु लोगों ने मराठवाड़ा जो पूरा महाराष्ट्र का ये इलाका है, 6 डिस्ट्रिक्ट 5 6 डिस्ट्रिक्ट, वहां पे उन्होंने बहुत बड़ी मोमेंट की। और वो मोमेंट में उन्होंने हम सबको अवेयर करवाया कि भाई अगर आपको अगर बुद्धिस्ट बनना है या बुद्धिस्ट आप हो तो आपको क्या क्या करना। हालांकि मेरे पिताजी ने बुद्धिज्म तो तभी ले लिया था 1956 में जब तो उनको 56 में ले कंपलसरी लिया हो था। रहा था। हाँ अच्छा लेकिन फॉलो अप तो 1971 72 में आया, शुरू हुआ। तो इस तरह से बुद्धिज्म का हमारे इधर काफी मतलब औरंगाबाद में देखेंगे आप तो काफी लोग फॉलो करते हैं अच्छी तरह से। तो आप तो औरंगाबाद से हैं, और औरंगाबाद जो है बाबा साहब के आंदोलनों की एक धरती है, यस और जो नामांतरण का जो मूवमेंट था उसने जो भारत के अंदर जो है दलित पैंथर्स की एक बहुत बड़ी ताकत भी दिखाया कि किस तरह से सरकार अगर झुकती है तो आंदोलनों के आगे जो है जो मजबूत आंदोलन है, तो
क्या शेयर करेंगे उस दौरान का नामांतरण में आपने किन किन लोगों को देखा था दलित पैंथर्स के, और क्या किस तरीके का होता था वहाँ? ये तो एक बात है, मेरे को एक एक इंसिडेंट याद आता है कि एक हमारे पास एक आई थिंक डॉक्टर चिन्ने उनका नाम है शायद, तो वो जब आंदोलन चल रहा था तो मतलब जो कोचीराम कांबळे वगैरह इनको मर्डर हो गया था उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस वक्त उन्होंने वो हर हर दिन हमारे यहाँ सभा होती थी, एक वो एक दिन उन्होंने बोल दिया कि हम वो एक मराठवाड़ा नाम का प्रेस है हमारा, गोविंद भाई श्राफ नाम के एक जो बंदे हैं और आनंद भालेराव उसके संपादक थे, तो ये लोग डेडली अगेंस्ट थे मूवमेंट के, मतलब नामांतर के, और उनका प्रेस था मराठवाड़ा प्रेस, तो जो आनंद भालेराव जो संपादक थे उसके, तो उन्होंने एक दिन बोल दिया कि हम जाके उसको प्रेस को जला देते। अच्छा, दूसरे दिन बहुत काफी हंगामा हुआ फिर सिटी में, न्यूज पेपर में आया, फिर लोग मोर्चा निकले उन बाकी लोगों के, तो फिर नेक्स्ट डे आके उन्होंने फिर बोला नहीं हम तो ये बोले थे लेकिन हम अहिंसावादी है, हम तो जलाने की कोई बात नहीं करेंगे, हम नहीं जलाएंगे। एक मेरे को इंसिडेंट याद है। दूसरा मेरे को एक आपको एक शेयर करना चाहूंगा कि उस वक्त एक नागपुर से एक लॉन्ग मार्च निकला था, आपको याद होगा, जो हमारे कवाड़े सर है प्रोफेसर कवाड़े, वो लॉन्ग मार्च लेके निकले थे नागपुर से और वो बाय पैदल आ रहे थे औरंगाबाद, तो लॉन्ग मार्च का उनका था कि मैं उस दिन जाके वहाँ पे बोर्ड लगा दूंगा विद्यापीठ पे। तो हुआ क्या कि सरकार को लगा कि ये तो बड़ा गड़बड़ होने वाला है, तो उन्होंने क्या कर दिया उसको डिस्ट्रिक्ट को बंद कर दिया, डिस्ट्रिक्ट मतलब उनकी एंट्री बंद कर दी हमारे औरंगाबाद जिला में, तो लेकिन उनको तो आना ही था, और वो वहाँ पे उन्होंने उस दिन डिसाइड किया था कि ये दोपहर को आई थिंक दो बजे का टाइम था जब हमारी एक सभा डिसाइड हुई थी कि वहाँ सब लोग मिलेंगे और वहाँ पे जोगेंद्र कवाड़े जी आएंगे फिर वहाँ से विद्यापीठ जाएंगे वगैरह वगैरह, तो उस वक्त वो बाय मतलब ऐसे चुपके से औरंगाबाद जिले में घुस गए, और हमारा जो एरिया था काजीवाड़ा, काजीवाड़ा नाम का एरिया था जो भड़कल गेट के बाजू में था, वहाँ पे आए और फिर हम उनको मतलब उनका थोड़ा सा चादर वगैरह ओढ़ के उनको हम उनके साथ वहां से ये भड़कल गेट के जो मेन स्टेज है वहां तक गए, और वहां पे जाके वो प्रकट हो गए कि भाई मैंने जो वादा किया था मैंने पूरा किया। अभी को याद नहीं उनके बाद उनको अरेस्ट किया था कि नहीं थे किया था, तो उनको अरेस्ट बंदी था तो शायद अरेस्ट किया होगा, लेकिन वो मेरे को इतना हिस्ट्री याद नहीं है, लेकिन उनको लेके हम गए थे वहां पे और वहां पे उन्होंने फिर आगे स्पीच दिया था, तो ये मेरे को बहुत अच्छी तरह से याद। मेरे एक अंकल थे मतलब जो शिक्षक है, और तो वो ये आंदोलन में काफी वो बड़े थे, हम तो बहुत छोटे से पार्टी छठी में फिफ्थ या सिक्स स्टैंडर्ड में कुछ होंगे, तो वो बड़ी तरीके से वो पार्टिसिपेट कर रहे थे और उन्होंने काफी हमको बता थे इधर ये हो गया उधर हो गया क्या क्या चीजें हो गई ये आंदोलन के बारे में, उनसे हम रोज सुनते थे, तो ये मेरे कुछ कुछ यादें है उसमें। तो आप जो है आप तो एक प्रोफेशनल बैंकर रहे, तो आपकी कैसी जर्नी रही एजुकेशन से लेके और बैंकर बनने तक की? पहले से सोच के बने थे या पहले से ये प्लानिंग था कि मेरे को बैंकर बनना है या बोलता ये क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक्स का मुझे बहुत शौक था, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ना, उसके छोटे छोटे इक्विपमेंट बनाना जो भी कर सकते थे, और मैंने एट स्टैंडर्ड से डिसाइड किया था कि भाई अपने को तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना है, दूसरा कुछ नहीं बनना, और उस हिसाब से मैं फिर वो रेडियो रिपेयरिंग सीख लिया, फिर इक्विपमेंट खोलना, उसको नए नए इक्विपमेंट बनाना, एम्पलीफायर बनाना, स्पीकर के बॉक्स बनाना, ये सब हम मतलब अपने आप करते थे। लेकिन हुआ क्या कि जब मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के बाद में, हमारा वक्त ऐसा था कि फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कॉमन रहता था और सेकंड फर्स्ट ईयर के मेरिट के ऊपर आपको एडमिशन मिलता था, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सिर्फ औरंगाबाद के लिए 8 सीट थे, वो पूना में, पूना इंजीनियरिंग कॉलेज में थे। हुआ ऐसा कि मैं टॉप 8 में नहीं आ पाया यूनिवर्सिटी में, मेरा रैंक 14 था यूनिवर्सिटी में, और उस वक्त रिजर्वेशन तो हमको सिर्फ इसमें मिला था फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में ब्रांच के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो मैं वो फर्स्ट 8 में नहीं आ पाया, तो पहले 8 सीधा सीधा इलेक्ट्रॉनिक्स गए, तब इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज्यादा क्रेज था, और फिर मुझे सेकंड अल्टरनेटिव मिला कि बॉम्बे में जो कॉलेज है विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट नाम था उस वक्त,
अभी उसका बीर जीजा माता टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट हुआ है बीजेपी का, वहाँ पे मेरे को प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिला। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग तो मेरे को ऐसा कुछ मतलब बुरा नहीं लगा, मेरे को लगा अच्छा है, एक्साइटिंग फील्ड है और बहुत काफ़ी इंटरेस्ट टेक्निकल इसमें था। तो मैं डिग्री कंप्लीट किया, लेकिन ड्यूरिंग द मेरा जो पूरा एजुकेशन चला था हमारा सैंडविच कोर्स था, हर एक साल के बाद मतलब हर ईयर के बाद आपको 2-3 महीना जाके इंडस्ट्री में काम था। और जब मैं लास्ट का जो पूरा सेमिस्टर था वो तो मेरा पूरा 6 महीना इंडस्ट्री में काम था, तो उस वक्त मुझे रियलाइज होगा कि यार ये तो फील्ड अपने लिए है ही, क्योंकि इसमें अगर मुझे फैक्ट्री से बाहर जाना है तो मुझे परमिशन लेनी पड़ती है, मुझे गेट पास लेना पड़ता है। ये तो मुझे लगा कि ये भाई ये तो जेल के जैसा है, एक बार सुबह गए तो शाम तो वापस शिफ्ट खत्म होगी तभी बाहर आओ, भले आप इंजीनियर हो कोई भी हो। तो मैंने डिसाइड किया नहीं भाई ये तो ठीक नहीं है। फिर मैंने दूसरा सोचा कि एमटेक ना करते हुए, जिसको IIT बॉम्बे में एडमिशन मिला था वो ना करते हुए मैं सोचा कि लेट्स MBA करते हैं। फिर जमनालाल बजाज मानपत इंस्टीट्यूट है, JBIMS उसको बोलते हैं, वहाँ से मैंने MBA किया। और MBA करते वक्त तो मेरे को रियलाइज होगा कि अभी तो जो मेरा जो कोर्स था वो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, उसका स्पेशलाइजेशन था उसका। और उनको हाँ मतलब उसको ऑपरेशंस बोलते हैं, और मैंने जिस लेवल की शिक्षा की थी बिकॉज मेरा स्पेशलाइज कोर्स था, उससे वो ऑलमोस्ट सेम और उससे थोड़ा सा कम सीखने को मिलता था MBA फाइनल ईयर। तो फिर मैंने बोलो सोचा कि ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, मैं तो जो मैं पढ़ा सकता हूँ इतना हमने डेप्थ में पढ़ा है। तो फिर मैंने फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन किया। फिर उस वक्त मुझे रियलाइज होगा कि अगर फाइनेंस में अगर स्पेशलाइजेशन करता हूँ सेकंड ईयर में तो वाई नॉट गो फॉर अ बैंक। तो मैंने 2-3 बैंक आइडेंटिफाई करके रखी थी, उसमें IDBI था, IFCI था और ICICI था। IDBI में तो हमको नहीं मिला जॉब, सेकंड चॉइस मिला हमको IFCI। तो हम IFCI ज्वाइन करे बॉम्बे आए, दिल्ली आ गए, दिल्ली हेड ऑफिस। इस तरह से मैं आ गया बैंकिंग में, और काफ़ी मेरे को मतलब इंटरेस्टिंग है बैंकिंग फील्ड। जितनी इंडस्ट्री है, जैसा मैं अगर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बोलते काम करता तो मोस्टली मैकेनिकल इंजीनियर फैक्ट्री के साथ रहता, इसमें शुरू के पीरियड में, लेकिन इसमें तो मेरे को एक्सपोजर मिला सब इंडस्ट्री का, हॉस्पिटल भी है, होटल भी है और टेक्सटाइल भी है, सबका ही एक्सपोजर मिला। तो इट वॉज अ क्वाइट इंटरेस्टिंग जॉब, 15 साल मैंने काम किया था। अच्छा, तो आप 15 साल में से सारा दिल्ली में रहे या बॉम्बे में? नहीं, मैं उसमें 8 साल दिल्ली में रहा, बाकी का दिन बॉम्बे में रहा। फिर मेरा फिर दिल्ली ट्रांसफर हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि अगर अपने को कुछ करना है जिंदगी में, क्योंकि वो तो जॉब इतना डिमांडिंग था, तो वहाँ पे कुछ अपने को भले ही सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, फिर ऑलमोस्ट समर ऑफिस में जाता था और खुद कुछ नहीं कर पाते थे, तो फिर इसलिए मैंने 2001 में छोड़ दिया। तो आपने जो बैंकिंग सर्विसेज से जो रिजाइन किया, या जो भी आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया या? नहीं, मैंने रिजाइन किया बिकॉज मैं तो मेरा एज 35 था और वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए मिनिमम 40 एज कंपलसरी था, तो अच्छा। मैं तो एलिजिबल नहीं था, तो मेरे को कोई पेंशन नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं छोड़ के बाहर आ। लेकिन आपने एक अच्छी खासी नौकरी को क्यों छोड़ा, कोई और ऑप्शन आप देख रहे थे कि? नहीं, अगर मेरे को सोशल वर्क में या अंबेडकराइट मोमेंट में कुछ तो करना है, कुछ तो आगे, या फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम, इसमें मुझे वैसा लग रहा था कि वहाँ पे मेरे को भले ही आगे चल के आज शायद मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता वहाँ पे अगर रहता तो, मेरे बैच वाले हो गए तो वो फ्यूचर अच्छा था, लेकिन वो एक बंधन हो गया था, सेटिस्फेक्शन नहीं था, जो मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं था, वो जॉब जॉब करो वही चलता रहा, अपने किसके लिए काम कर रहे पता नहीं, और फिर सिस्टम तो इतना अच्छा होता नहीं है, ब्यूरोक्रेसी के अपने अपने डिसएडवांटेज है, प्रेशर आते रहता है बाहर से, और बीइंग इन दिल्ली हमारा हेड ऑफिस और को भी प्रेशर आता था, तो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, क्योंकि वो जो लोग होते हैं टिपिकल जो ब्यूरोक्रेसी में जाके सब आगे निकल जाते हैं, उसमें मैं शायद फिट नहीं रहता, वहाँ पे फिट नहीं हो रहा था। मेरा जो विचार था कि भाई सब रैशनल होना चाहिए, तो वो। लेकिन आप इतने साल जो काम किए बैंक में या एक प्रकार से सर्विसेज में, तो आपको लगता है कि इसमें काम करके आप मतलब जो वाकई में सोसाइटी में करना चाहते हो सर्विस में रह के नहीं हो सकता? सर्विस में रह के मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे आपको फ्रीडम नहीं है, आप लिख नहीं सकते, आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते आपको, और ये पर्टिकुलरली मैं जिस तरह से आया था, हम जो यंग लोग आए थे मैनेजमेंट में, हमको बहुत ज्यादा काम रहता था हमारे पास, और इसके जब ये 93-94 के बाद कंप्यूटराइजेशन हुआ, तो नया रिक्रूटमेंट नहीं होता था, मतलब आप इतने
एक डिपार्टमेंट में संभाल रहे हो तो आपके पास लोग नहीं रहते थे ज्यादा, तो बहुत ज्यादा प्रेशर रहता था काम पर। डिसीजन तो वक्त पे होने हैं, प्रोसेसिंग होना है, तो वो कुछ आगे इधर उधर देखने के लिए नहीं था। मेरा पहले से इच्छा था कि मेरे को PhD करना है, तो उस वक्त मुझे नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप भी मिला था 1988 में जब मेरा एजुकेशन खत्म हुआ, लेकिन उसके बाद में लेकिन वो मेरा वहाँ पे क्या है, मेरा जो GRE का जो एग्जाम था, पहले बार जब मैंने एग्जाम दिया तो उसका रिजल्ट आया नहीं क्योंकि उसमें मास कॉपी हो गई, वो कैंसिल हो गया। फिर सेकंड, ये तो इंडिया टुडे में पूरी स्टोरी आई थी इसकी, पूरा पब्लिश मैटर है, कि सेकंड टाइम जब हुआ तो फिर वो उसका एग्जाम कैंसिल कर दिया। ये दो बार ऐसे हुए कि जो GRE का रिजल्ट नहीं आया, आई एम टॉकिंग अबाउट 90 की बात है। फिर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी कम होता है, शादी भी हो गई, तो फिर मैं, मेरे को एडमिशन भी मिला था यूनिवर्सिटी में, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं जाना ठीक है। बाय द टाइम मेरे पिताजी की डेथ भी होने की, तो वो एक बड़ा हादसा था। मैं जब उसको बड़ा मई हूँ फैमिली में, तो मैं इतना सोचा नहीं कि ज़्यादा एफर्ट्स करना नहीं मुनासिब सब। तो जब आपने रिजाइन किया और उसके बाद मतलब आप मतलब बेसिकली आपकी मैरिज हो चुकी थी, आपके बच्चे थे, तो आपको कोई सोशल इनसिक्योरिटी का सामना नहीं करना पड़ा? नहीं ऐसा मतलब रिजाइन करने के बाद ना, जी हाँ ऐसा थोड़ा था, मन में डर था। बाय द टाइम मेरा भाई जो था वो डॉक्टर बनके प्रैक्टिस कर रहा, मतलब नौकरी में कर रहा था, और उसकी मिसेस की वो भी नौकरी कर रही थी। उनको बताया था कि अगर भाई मैं तो रिस्क ले रहा हूँ और मुझे खुद के लिए फ्रीडम चाहिए, तो हो सकता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ गए तो अपन मतलब मेरे को हेल्प करना। तो वो सब मेरी फैमिली का सपोर्ट था मेरे सब, दे स्टूड बाय यू। हाँ भाई का, मेरा भाई छोटा है मुझसे, उसका, उसकी मिसेस का, मेरी मेरी वाइफ का, हाँ थोड़ा सा मेरे मतलब इन-लॉज की तरफ से ऐसा लग रहा था उनको कि अरे नहीं छोड़ रहा मेरे, लेकिन रिस्क तो कभी ना कभी तो लेना ही पड़ेगा, अगर कुछ कुछ करना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो आपने जो अभी आपने PhD कंप्लीट किया अपना, और उसका पूरा इश्यू जो था एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के था, क्या आपकी क्यों आपने वो सब्जेक्ट चुना और व्हाट वर द फाइंडिंग्स? ऐसा था कि मैं जब लोगों से डील करता था IFCI में, और बाद में एज अ कंसल्टेंट 2001 में मैंने कंसल्टेंसी चालू कर दी, तो मैंने देखा कि अपने लोग तो बहुत कम है बिजनेस में, नहीं के बराबर है, और जो आते हैं मेरे पास तो हेल्प मैं कर नहीं पाता हूँ क्योंकि तो मैं भी तो बैकवर्ड क्लास से, मतलब मैं भी बुद्धिस्ट, और उनकी केस लेके जाता हूँ। तो वो मुझे बैंक में बहुत सारा नजर आया कि बैंकर जो है वो अलग नजर से देखते हैं इन लोगों को, और इतना प्रमोट नहीं होने देते। मतलब जो मैं एज अ कंसल्टेंट मैं पूरी के पूरा जानता हूँ कि सिस्टम क्या है, किस तरह से होता है, लेकिन फिर भी मुझे भी दिक्कत आती है। बहुत सारे लोग केस की कर भी दिया, हमने सेंशन हो गया लोन, उन्होंने प्रोजेक्ट लगा दिए, लेकिन उनको जो दिक्कत आ रही है वो जो मैं देख रहा था प्रैक्टिकली कि ये कैसा तरह से दिक्कत आ रही है, तो मुझे लगा कि अगर मेरे तो ख्वाहिश थी कि मेरे को PhD करना है, तो मैंने सोचा कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट उठा के लेके करने के बजाय अपना जो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है और जो मेरे को उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज है, इतने लोगों को इतना तकलीफ होता है, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं ये सब्जेक्ट लेके आप आगे रिसर्च करें, अपने इंटरेस्ट का भी सब्जेक्ट है और उसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें बाहर आएंगी जो कि मेरे अभी किताब में पब्लिश करूंगा मेरे रिसर्च के ऊपर, तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं कि जो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी क्या क्या हुआ है, उसमें डिटेल एनालिसिस किया है गवर्नमेंट ने, कहाँ कहाँ जैसे स्पेशल कंपोनेंट प्लान है उसमें कैसे कैसे गड़बड़ी होती है, पैसा पैसा डाइवर्ट होता है, किसने किस लीडर ने जो मतलब कमिटी ने क्या निर्णय लिया, ये सब चीज़ें बाहर नहीं आती लोगों के पास। और नॉर्मल लोगों को अगर पूछे कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान क्या है, अब उसका नाम स्पेशल सब कंपोनेंट प्लान करते हैं, तो उसका क्या है, वो कैसा चलता है, या हमको अगर रिजर्व कैटेगरी बोलूँगा, रिजर्व कैटेगरी को जो बेनिफिट मिलते हैं, सोशल वेलफेयर के स्कीम्स होते हैं, वो पैसा किधर से आता है, क्यों आता है, इसके नॉलेज नहीं, तो वो सब उसमें मैं लेके आया हूँ वहाँ कि इसमें एग्जैक्टली मैकेनिज्म कैसा है, इसमें क्या क्या गड़बड़ी हुई है। बहुत सारे अपने लोगों को भी मतलब जो जिसको हम बोलेंगे कि जो रिजर्व कैटेगरी के लोगों को जो कमिटी में बैठे हैं उन्होंने भी कुछ कुछ गड़बड़ी की, बड़ी बड़ी गड़बड़ की। अब तो मैं
बोला ठीक नहीं है मेरा, लेकिन बुक में मैंने लिखा है, तो वो सब चीजें बाहर आई गई कि भैया ये किसने क्या कर रहा है, ये सब इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए मैंने इसमें कंटिन्यू किया। मेजर फाइंडिंग क्या रहा उसमें? फाइंडिंग ये है कि हमारे पास जो जब हम, एक तो पहली बात हमको कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट खास तरह से मिलता नहीं, जितने स्कीम्स है उसमें क्या फेवरेटिज्म होता है, कोई बैंकर अगर पहचाना होता हो तो जरा अगर जल्दी जल्दी हो जाता है, लेकिन अगर एक आदमी जाता है तो उसको इजीली असिस्टेंस मिलता नहीं, कभी कभी वो पेपर वर्क में कम रहता है, कभी कभी उसको बहुत सारे इश्यू रहते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर वो प्लांट लगा भी देता है, मैंने मेरा जो फाइंडिंग है कि आज कम से कम 50 से 60% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बिजनेस से चालू किया, अपने खुद के पैसे से चालू किए, या अपने किसी रिलेटिव ने उनको हेल्प किया, या कोई इंडिविजुअल ने हेल्प किया, हालांकि गवर्नमेंट के वजह से। तो वो प्रोडक्ट तो बना लेते हैं बराबर है, लेकिन उनको जब प्रोडक्ट बेचने जाते हैं तो काफी दिक्कत आती है। और मेरा रिसर्च का यही टॉपिक रहा है कि जब तुम प्रोडक्ट बेचने जाते हो तो तुम्हारा कास्ट देख के, तुम किस बैकग्राउंड से आते हो वो देख के तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदा जाता है। हाँ, जहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है जैसे कोई मशीनरी का पार्ट है, वहाँ पे इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा गया, लेकिन अगर कोई कंज्यूमर है, अगर समझो एक छोटे विलेज में कोई अगर होटल लगा दे, अगर जो बैकवर्ड क्लास है, तो उसके पास भी वो बैकवर्ड क्लास के मतलब जो मेजर कैटेगरी के लोग आएंगे, बाकी लोग उनके पास आएंगे नहीं, तो उसका धंधा कैसा चलेगा। फिर उन्होंने कोई फूड आइटम बनाया तो वो भी वो लोकल एरिया में नहीं चलते। एक बात देखी गई है कि अगर आप बॉम्बे जैसे सिटी में जाओ, तो बॉम्बे जैसे सिटी में मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी में, यहाँ पे नॉर्मल लोगों को पता नहीं चलता कि भाई ये कौन से बैकग्राउंड से आ रहा है या कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कतें कम है। लेकिन अगर वही जैसा जैसा मेरा जो एरिया था महाराष्ट्र में अंदर जाओ, तो इसमें काफी दिक्कत है लोगों को। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में हाँ ठीक है चलता है, लेकिन बाकी इसमें तो कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट में या इसमें घुसने को तकलीफ थोड़ा सा। ये मेरा बेसिक फाइंडिंग है, और वो मैंने करीब करीब 200 लोगों के इंटरव्यू लिए, मेरा सैंपल साइज 200 का था, 200 इंडस्ट्रियलिस्ट से मिला, उनका क्या क्या बैकग्राउंड है, लेकिन ये जो जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये तो खास करके महाराष्ट्र के अंदर तो मतलब कम से कम महार कम्युनिटी में तो काफी अच्छे से आया है, तो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है। हाँ आया है, बराबर है, बिल्कुल सही बात है। अभी हमारा मुझे लगता है कि ऑल इंडिया लेवल पे अराउंड 6 लाख के आसपास इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे जो बैकवर्ड मतलब रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, उसमें से करीब करीब 2,16,000 के आसपास है। मैं ये 2008 के सर्वे की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट लोग है नहीं, जो 2,16,000 जो है वो मतलब शेड्यूल कास्ट है। अच्छा, वो डेटा तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के है। मतलब पर उसमें मेजोरिटी जो है वो बुद्धिस्ट लोगों का ही होता है महाराष्ट्र में देखा जाए तो। यस, महाराष्ट्र में नहीं, यूपी के अंदर भी जो ज्यादा जिनके एंटरप्रेन्योरशिप है वो मोस्टली जो है बुद्धिस्ट ही लिंक करते हैं। बुद्धिस्ट के सामने एक अगर आप देखा जाए ना, तो बुद्धिस्ट जो आदमी सोचता है कि यार मैं अगर मार्केट में जाता हूँ तो एक आधा प्रोडक्ट सोनी समझो, मैंने मोबाइल लिया, सोनी का मोबाइल लिया, टीवी लिया, तो वो किसका है, तो वो एक इंस्पिरेशन आता है कि भाई मैं यहाँ, भले हमारे पास बड़े ब्रांड नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर के जापान में जाओ या कोरिया में जाओ या दूसरे और कंट्री में जाओ, वहाँ पे ताइवान में बड़े बड़े ब्रांड है जो बुद्धिस्ट लोगों के, वो उन बाय बुद्धिस्ट है, जैसा सैमसंग के जैसा ब्रांड, तो वो बुद्धिस्ट लोग, तो वो एक इंस्पिरेशन आता है मुझे लगता है, क्योंकि ये जब लोगों के साथ डिस्कशन हुआ तो बहुत लोगों ने एक्सप्रेस किया, अरे वो कर सकते हैं इतना बड़ा तो हम भी बुद्धिस्ट है, हम भी बेसिकली एक बड़ा उसमें ये बेसिकली बीइंग बुद्धिस्ट मींस यू गेट एसोसिएटेड विद लाइक पीपल फ्रॉम जापान कोरिया ताइवान, ये फीलिंग तो है, ये फीलिंग आता है कि हाँ भाई हम अकेले नहीं है, वो भी है, अभी क्या है हमारा कनेक्ट नहीं बन पा रहा है वो बात अलग है। अभी एक मंगेश, लेकिन ये फीलिंग है लोगों के अंदर कि बुद्धिस्ट कंट्रीज भी हैं और अच्छे हैं, प्रोग्रेसिव हैं, बड़े बड़े ब्रांड, हम भी बन सकते हैं, वो तो भावना है लोगों। अच्छा, तो कभी कोई बुद्धिस्ट कंट्रीज के लोगों के लिंक वेज है, जापानीज कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आया हो बुद्धिस्ट लोगों से मिलने यहाँ पर, कि ऐसा कुछ हुआ है आपके? मिस्टर मंगेश दहीवाले ने एक बुद्धिस्ट बिजनेस नेटवर्क नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन चालू किया था इसके बारे में, बट समहाउ वो
आगे कुछ ज्यादा काम नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन तो है लेकिन कुछ काम नहीं कर पाए, उनका यही ऑब्जेक्टिव था कि कनेक्ट इंडियन बुद्धिस्ट टू द वर्ल्ड ओवर अदर बुद्धिस्ट। ग्लोबल बुद्धिस्ट कम्युनिटीज। हाँ, तो लेकिन वो ऐसा कुछ खास अभी तक ये नहीं हो पाया है, मतलब कल्चरली तो काफी सक्सेसफुल हुए हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, नागलोक में आते हैं, बहुत आते हैं इंटरनेशनल लोग। बट लेकिन आई आई एम एम टॉकिंग टॉकिंग अबाउट कि बिजनेस कम्युनिटी के क्या रिलेशनशिप बने। नहीं इतना कुछ ज्यादा डेवलप हो, मतलब दो चार डेलीगेशन भी आए थे, जापान से भी आए थे उन्होंने, मेरे को याद है कुछ दिन पहले उनका कुछ ईमेल भी आए थे, उन लोगों ने भी किया, लेकिन ऐसा कुछ खास मेरे को कोई दिखा नहीं है कि जिसको वहां से कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई है या उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन ये डेफिनेटली मैं सोचता हूँ कि ये बारे में काम करने की जरूरत है, और हम अगर हम सही तरीके से प्रेजेंट करें तो हमको बहुत सारी मदद बाहर से मिल सकती है, आई एम वेरी होपफुल। जी, तो आप तो अपार्ट फ्रॉम डूइंग दिस योर एजुकेशन, आपने मतलब इस लगातार उम्र आपको नहीं रोकी अपने काम करने से, पीएचडी करने से। ये जो उसके अलावा जो आपने और एंगेजमेंट आपके रहे हैं, मतलब आफ्टर योर रेजिग्नेशन, वो क्या क्या एंगेजमेंट रहे? क्या एंगेजमेंट आपका था कैंपेन फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म इन इंडिया, आपने शुरुआती दौर से उसमें है, तो हाउ वॉज द एक्सपीरियंस? ये एक जो सब्जेक्ट था कि मुझे तो उस सब्जेक्ट में जब मुझे एक दिन ईमेल आया तो उस वक्त तो मेरे को सब्जेक्ट का कुछ नॉलेज नहीं था, और हालांकि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट ये सब सी इश्यूज मुझे पता थे, मैंने फर्स्ट और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ा था, मतलब नेट पे भी पढ़ा था, फिर बाबा साहब के कुछ संवाद भी मैंने पढ़े थे और वो किताबें भी पढ़ी थी, लेकिन प्रोपोर्शनेट इलेक्टोरल सिस्टम ये जो चीज़ है शेरी का मेन इशू था कि हम इंडिया में प्रोपोर्शनल इलेक्टोरल सिस्टम लॉन्च करें या गवर्नमेंट जो इलेक्शन की मेथड है वो बदल दे, उसके बारे में मेरे को पता नहीं था, इसलिए मेरे को भी थोड़ा क्यूरियोसिटी थी, बोला इसमें क्या है सब कुछ सब है, तो मैं तो उनका जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था ढाका में वहाँ गया, और वहाँ तो महाराष्ट्र में हम 3 लोग थे, और मैं ये सोच के गया था कि देखते हैं सब्जेक्ट को समझ लेते हैं, लेकिन जो बाकी 2 मेंबर थे महाराष्ट्र के उन्होंने वहाँ पे मेरे को मतलब जब हु विल लीड महाराष्ट्र ये जब बात चली तो मेरे को लगा ये दो एक प्रोफेसर मैडम थे, दूसरे मैडम थे वो राइटर थे, तो वेल नोन लोग थे, तो उन्होंने ये लीड करेंगे मेरा क्या, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया तो उन्होंने दिखाया लेट हिम डिड, तो उस ऐसे मतलब मेरा वैसा कोई बिना ऐसा सोचा नहीं था कि मैं इसको आगे मोमेंट को चलाऊंगा या मैं इसमें काम करूंगा, तो मैं तो सिर्फ कॉन्फ्रेंस के लिए गया, लेकिन उन्होंने जब मेरे ऊपर वो छोड़ दिया तो फिर मैंने भी इंटरेस्ट लेना चालू किया, और पहले दिन से आखिरी दिन तक मतलब जब तक आज तक मैं उसके साथ जुड़ा हूँ, और अभी हमने काफी काम किया महाराष्ट्र में भी, काफी काम किया हमने, कॉन्फ्रेंसेस किए, लोगों को एजुकेट किया, हमने कैंप लगाया लोगों बहुत सारे लोगों को एजुकेट किया, तो तो एक क्या अच्छा क्या इशू है। अचीवमेंट आपको लगता है शहरी का, इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस, क्या किस टाइप की अवेयरनेस में आपकी अचीवमेंट रही शहरी की, अगर हम बोले तो इसको लेकर? हाँ हम ये डेफिनेटली यहाँ पे हमने अवेयरनेस क्रिएट किया लोगों को, जो जो पढ़ते हैं और जो जो सिस्टम को समझते हैं, तो उसमें से 5-6 लोग तो 5-6 लाख लोगों तो हमने तो थ्रू द कॉन्फ्रेंस हमने तो डायरेक्ट डायरेक्ट बात की है, और इसके अलावा प्रेस के थ्रू भी काफी लोगों को जानते हैं, लोग जानते हैं इसके बारे में, तो काफी अवेयरनेस क्रिएट है, और ये अनफॉर्चुनेटली हम उसको उस फोर्स के साथ नहीं लेके जा रहे, लेकिन आज नहीं तो कल इंडिया को शिफ्ट, अगर डेमोक्रेसी का रियल लुक उठाना है या डेमोक्रेसी का रियल लोगों तक पहुंचना है तो, या वेलफेयर स्टेट बनना है, हमको प्रोपोर्शनल इलेक्टोरल सिस्टम के सिवा मुझे नहीं लगता कोई अल्टरनेटिव है, वो एक अल्टरनेटिव है कि जो सबको इक्वालिटी लाने में, सबको रिप्रेजेंटेशन देने में, रियल रिप्रेजेंटेशन, अभी रिप्रेजेंटेशन तो है लेकिन वो क्या हो जाता है कि दे आर डिपेंड ऑन द हाई कमांड ऑफ द पार्टी, तो ये बात नहीं करते, प्रोपोर्शनल इलेक्टोरल सिस्टम अगर आ गया इंडिया में, अगर हमने इसको अडॉप्ट कर लिया तो शायद लोग जो भी लीडर्स हैं सुन के जाते हैं, जो हमारे एमएलए हैं एमपीज हैं, वो अपना रियल इश्यूज के ऊपर बात करना चालू करें, और मुझे आई एम वेरी होपफुल कि कभी ना कभी ये मतलब तो मेरे रहते हुए तब तो आ ही जाएगा प्रोपोर्शनल इलेक्टोरल सिस्टम, भले अभी थोड़ा मोमेंट स्लो हुआ है, लेकिन उसको पीपल्स जो अभी शेरी ने जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को दे दिया है, और पॉलिटिकल पार्टीज ने आगे उसको चलाना है, वो हैंड ओवर कर दिया है, तो अभी पॉलिटिकल पार्टी अभी इतना उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, लेकिन आई एम होपफुल काम होगा इसके ऊपर,
जब जो लगता है लाएगा कि जो जो पॉलिटिकल पार्टीज खास करके जो दलित बहुजन आदिवासी इन सब लोगों के मुद्दों पे काम कर रही हैं, बात कर रही हैं, उनके अंदर ये सुगुगार तो जानी चाहिए कि ये सवाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यस इसमें काफी मतलब जो ग्रास रूट तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए, उसके लिए एक बड़ा कुछ कभी ना कभी चालू करना पड़ेगा। तो हमारे बाकी के में जैसे आप जो शहरी के प्रमुख उसमें लोगों में थे, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज इस इश्यू को क्यों नहीं पिकअप कर रही है, खास करके जो दलित बहुजन और आदिवासी लोगों की पार्टी है किस? मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो हम अवेयरनेस क्रिएट हो गया इंटेलेक्चुअल लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में, लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टीज को हम कन्विंस नहीं कर पाए, पर्टिकुलरली जो दलितों की पार्टी है, जैसा हमने बीएसपी को कभी तक अभी तक हमको प्लेटफॉर्म पे नहीं ला पाए उनको। तो ये जो उनका अवेयरनेस है वो नीचे तक नहीं गया है, और इसलिए मास मूवमेंट नहीं बना। नहीं, तो जैसे जिस जैसे एक चीज था कि जैसे डीएमके इसको सपोर्ट कर रही थी, अकाली दल इसको सपोर्ट कर रहा था, इवन लेफ्ट पार्टीज को सपोर्ट कर रहे थे, आदिवासियों के बहुत सारे ग्रुप्स इस बात को मानते हैं कि हमारी जो पॉलिटिक्स है उसको इंक्लूसिव होना पड़ेगा, और वो प्रोपोर्शनल सिस्टम से ही इंक्लूजन आ सकता है। कि अभी जो अभी का जो भारतीय राजनीति में जो प्रणाली है वो तो बहुत जो है डिवीजन ऑफ वोट पे आप चुनाव जीतते हैं, तो डिवीजन ऑफ वोट पे चुनाव पे आपके खिलाफ में ज्यादा वोट होते हैं, और आप 30-30% से ज्यादा भी वोट पे कोई नहीं आया है, एक्चुअली 25-30% की रेंज में लोग, यानी कि 70% लोग फिर भी आपके खिलाफ रहते हैं, तब आप जो बोलते हैं उसके बहुत मैसिव मैंडेट से आगे। तो और बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद इस चुनाव प्रणाली के बारे में बोला है कि ये जो है इनएफिशियंट है, और ये एक्चुअल में जो है इंक्लूसिव नहीं है। तो हम लोगों की पार्टियों के अंदर तो ये ज्यादा आना चाहिए, जो ओबीसी दलितों की पार्टियां उस पर तो ज्यादा एग्रेसिवली इसको लेने की जरूरत। हाँ यही अनफॉर्चुनेट है कि मे भी हम तो ये समझते हैं कि हम जितने लोग अब सेबी बाबा में साहब काम इतने कर समय से रहे बोल रहे थे इस चीज को। सेरी में जो काम कर रहे थे, तो हम अभी तक वो इंटरेस्ट शायद नहीं पैदा कर पाए। वो अभी एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी बाकी है कि पॉलिटिकल जो पर्टिकुलरली दलितों की पॉलिटिकल पार्टी है उनको स्टेज पे लाने की, क्योंकि अभी लेफ्ट पार्टियों के एजेंडा में है, उनके मैनिफेस्टो में है, लेकिन वो उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन ये बाकी लोगों जो है दूसरे जो लोग उनकी पार्टी है उनको तो ये प्रायोरिटी होना चाहिए, और उसके लिए डेफिनेटली अपने को हमको काम करना पड़ेगा, तभी वो हो पाएगा। तो मोमेंट इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस। आपके सोशल एंगेजमेंट के और क्या क्या कार्यक्रम है अपार्ट फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप और कैंपेन फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म, और आप क्या? मैंने 1999 में एक वेबसाइट लॉन्च की, उसका नाम है jaybhim.com, jaybhim.com अभी से चल रही है। लेकिन उसमें हमको काफी बहुत लोगों के हमको ईमेल आते हैं और फोन आते हैं, जो पर्टिकुलरली नॉन बुद्धिस्ट लोगों से, कि हमको बुद्धिज्म लेना है। और अभी काफी लोगों को हमने ऑलरेडी जो मतलब अभी हिंदू है या फिर इवन जो ब्राह्मीण है उनको हमने कन्वर्ट किया है। तो वो एक हमने काम किया है कि मतलब वो हमने लॉन्च किया था 1999 2005 में, लेके हमने उसको फुल फ्लेज अपना अभी का जो है उसका वेबसाइट का स्वरूप है वो उसके ऊपर लेके आए। तो इनडायरेक्टली हम वो बुद्धिज्म का प्रचार उसके ऊपर कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा बाकी रीडिंग में मेरे को इंटरेस्ट है, तो मैं पढ़ता रहता हूँ, और अभी लगता हो कि ज़्यादा ज़्यादा लिखना पड़ेगा कि अभी थोड़ा एज एडवांस होते जा रहा है, तो मोमेंट कम होती जाएगी, फील्ड वर्क छोड़ के लिखना ज़्यादा जाना पड़ेगा। हमारे जो अंबेडकरी साथी हैं, जो बुद्धिस्ट साथी हैं, जो उसको सुन रहे हैं, उनके लिए आप कुछ आज के दौर में किस तरह से प्रिपेयर करें, और क्या उनका एजेंडा होना चाहिए, और क्या आप बोलना चाहेंगे? एक बात, ये बात बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एक जो बात तो मुझे दिख रही है कि नए लोगों में, यंगस्टर को अंबेडकराइट बनाने में हमको पहले तो नया जो जनरेशन है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो बॉम्बे जैसा सिटी की बात कर रहा हूँ, तो बुद्धिज्म के बारे में या अंबेडकराइट मूवमेंट के बारे में लोग ज्यादा सोचते नहीं है या पढ़ नहीं रहे। हालांकि ये मैं जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जी मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक पूरा एक एफर्ट्स होना चाहिए कि नए जनरेशन को अंबेडकरों के विचार उनके तक मतलब उन्होंने पढ़ने चाहिए,
उसके ऊपर उनको काम करने की प्रेरणा मिलनी चाहिए और नए अम्बेडकर एक्ट अभी आने चाहिए। अभी देखो कुछ दिनों में बड़े बड़े लीडर, पॉलिटिकल लीडर भी और इवन सोशल लीडर भी बहुत एडवांस लेवल पे है, मतलब एज पे। तो एक बीच में एक ऐसा एक वैक्यूम नहीं आना चाहिए कि भाई अभी एक एक पीढ़ी चली गई, दो पीढ़ी चली गई, इसके बाद में क्या बीच। इसके लिए मुझे लगता है कि कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स करना चाहिए कि बाबा साहब के विचार को समझे, और वो बाबा साहब के विचार को समझने के जब उनको समझेंगे तभी वो उसको अम्बेडकर एक्ट बन पाएंगे। तो ये एफर्ट्स मेरे को लगता है कि हम सब लोगों ने करना चाहिए और लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। तो एटलीस्ट टू रीड, अगर जो पढ़ेगा तो उसमें से 100 लोग पढ़ेंगे तो एक दो तो मन में इच्छा आएगी कुछ करने के लिए, तो डेफिनेटली ये वो इस करना चीज से चाहिए। जुड़ा हुआ, क्योंकि यूथ का क्वेश्चन है, फ्यूचर की क्वेश्चन है, और एक चीज आप देख रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में ज्यादा ज्यादा युवा आए, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि रिजर्वेशन भी हमले पे उस पे हमला है लगातार, पब्लिक सेक्टर पे हमला है, ऑलमोस्ट वो खत्म ही कर चुके हैं लोग। हालांकि हम ये उस बात को भी कहना चाहते हैं कि उनको स्ट्रांग करते रहना हमारा होना चाहिए प्रयास, कि पब्लिक सेक्टर स्ट्रांग हो, गवर्नमेंट की जॉब्स स्ट्रांग हो और रिजर्वेशन मजबूत हो स्टेट पे भी, और हर लेवल पे वो आए, एकेडमिया में आए, सिविल सर्विसेज में रहे उसकी। लेकिन एक रियलिटी भी है कि ग्लोबल ट्रेंड है कि मोर एंड मोर प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप इज बीइंग एनकरेज्ड, तो उसके लिए क्योंकि फ्यूचर भी देखना है कि कैसे, और सिविल सर्विसेज में हमारे यहाँ मैक्सिमम जो है वो, जैसे हमने पहले भी बात किया, वो एक कितना परसेंट यूज हो रहा है, 70% कोटा टोटल है, और साल में 1,000 लोग सिविल सर्विसेज के लिए सेलेक्ट होते हैं, तो 17% उसमें आता है। उसके अलावा कुछ और सरकारी नौकरियां होंगी जो 1-1.5-2 लाख 4 लाख होंगी, मेरे को नहीं लगता कि इतनी सारी आ रही हैं आज की डेट में। तो एक बहुत बड़ा सेक्टर जो है हमारा खाली है, तो आप उस पर क्या बोलना चाहेंगे कि ये एंटरप्रेन्योरशिप की, या हमको अपने आप में, चाहे वो मैगजीन्स हो, चाहे वो किसी और प्रकार का बिजनेस हो, उस पे जब तक प्रमोट नहीं होंगे तो एक बड़ी संख्या में लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी नहीं दे पाएंगे। बराबर है, डेफिनेटली। ये इसीलिए जो हमारा जो एक संगठन या बोलो या ग्रुप है, जिसको हम इंडियन बिजनेसमैन, इंडियन हमारे वेबसाइट भी हमने लॉन्च किया था कुछ दिन पहले, वेबसाइट में काम कर रहे हैं indianbusinessman.com। तो उसके थ्रू हम लोगों को यही प्रमोट कर रहे हैं कि भाई आप बिजनेस करो। और एक जो बात देखा गया कि जो अगर अगर आप देखेंगे कि जो लोग राजस्थान से आते हैं या गुजरात से आते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग जो अगर बिजनेस नहीं कर पाते तो एक सेक्टर में जाते हो, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आपके इंटेलिजेंस के ऊपर आप पैसा कमा सकते हो, वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ना। वहां पे आप ये नहीं बोल सकता कि अरे नहीं तुम भाई इस सोशल कम्युनिटी से आते हो तो तुमको हम चांस नहीं देंगे। वहां पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसा फेंको तो वहां मत पे हाँ, देखो। तो मैं जब बोलता हूँ तो लोग काफी लोगों को अजीब लगता है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि एक शास्त्र है, एक जो पूरा साइंस है, और वो अगर कोई भी चीज अगर पढ़ेंगे आप तो आप डेफिनेटली उसमें कुछ कर। मैंने इसमें काफी अच्छा मतलब पैसा बनाया है पास्ट में, अभी भी मेरा उसका बिजनेस चालू है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप स्टॉक मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेट, उससे फायदा क्या है, दो तीन फायदे है। एक तो स्टॉक मार्केट की जब बात करते हैं तो आपको इंडस्ट्री में क्या हो रहा है इसका भी नॉलेज लेना पड़ता है, फिर बिजनेस कैसे चलता है इसका भी नॉलेज बढ़ा। अगर आप सपोज स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट लेने के बाद अगर आप स्टॉक मार्केट में सक्सेस नहीं भी हुए तो आपका जो जनरल अवेयरनेस इतना हो जाता है कि आप कहीं प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री में घुस सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक जो फील्ड है जो हमारा लोगों ने अनटैप्ड है, जो हम लोग घुस नहीं रहे। जैसा बाबा साहब ने जब आए थे पढ़ के यहाँ तो उन्होंने एक स्टॉक मार्केट के ऊपर एक कंपनी भी बनाई, हालांकि वो उनका सोशल एजेंडा के उन्होंने इसको कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन स्टॉक मार्केट एडवाइजरी कमिटी कंपनी। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने आना चाहिए इसमें। और आज के डेट में मैं एक सभी बोलना चाहता हूँ कि एक जमाना था कि नॉलेज पूरा के पूरा एक कम्युनिटी के पास था, लेकिन आज नॉलेज इज थ्रोन ओपन। आज ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो बिकॉज ऑफ द इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। आज हमको रियल सेंस में जो इंटरनेट का जो फायदा लेना है वो मतलब जो पिछड़े लोगों ने लेना चाहिए, क्योंकि उनको अभी कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता कि ये मैं तुमको नहीं बताऊंगा। तो ये जो इतना फील्ड ओपन हुआ है हर चीज में, अगर आप अगर समझो कोई बोलता है कि मुझे डॉक्टर बनना और उसको नहीं मेडिकल में मिलता है, तो उसके लिए वो
मेडिकल फील्ड में रिसर्च करके इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, उसका नॉलेज अवेलेबल है, तो मुझे लगता है कि लोगों ने इसका फायदा लेना चाहिए, इंटरनेट का फायदा लेके नॉलेज अक्वायर करने के लिए लेना चाहिए। कॉलेज में ही नॉलेज मिलता है ऐसा थोड़ी, डिग्री नहीं मिली तो क्या हुआ। तो हम खुद अगर अपन 10th स्टैंडर्ड का भी अगर नॉलेज ले, अगर मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें, तो 10th स्टैंडर्ड में जो आपको जनरल नॉलेज आता है पूरे मतलब जो भी सब्जेक्ट है, वो दैट नॉलेज इज सफिशियंट आपको कि आप एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हो। वहां तक आपको उसके आगे जो पढ़ना है, स्पेशलाइज करना है या आगे बढ़ाना है, तो वो 10th तक आपको सब मिल रहा है। तो हम उसके बाद में जो डेवलप करना चालू करेंगे, तो मुझे लगता है कि अभी हमको तो मतलब पिछले वक्त कोई रोक नहीं सकता नॉलेज लेने में, कि पहले तो था नॉलेज नहीं था। अभी हमारे वक्त भी हमने देखा, जब इंटरनेट नहीं था तो हमको कितना भागना पड़ता था, लोगों से चर्चा करनी पड़ती, लोगों से बात करनी पड़ती। आज वो चीज़ नहीं रहा, एवरीथिंग इज अवेलेबल। मुझे लगता है कि हम लोगों ने इसका फायदा लेके बिजनेस में तो बड़े बड़े इसमें बड़े तौर पर आना चाहिए। अम्बेडकर आंदोलन के लोगों से क्या बोलना चाहिए, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए उनकी आज के दौर में? आज के दौर में पहला जो है कि अपना हर एक जन, बाबा साहब ने भी ये कहा है कि पहले आप खुद आत्मनिर्भर बनो, जो अभी जो नारा चल रहा है, मतलब खुद को पहले एजुकेशन के बजाय वो इकोनॉमिकली साउंड करो, उसके बाद में आपको आंदोलन करने के लिए, आपको ये लेने के लिए जो है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमने देखा है, एक बार वो उनको लगता है कि नहीं मेरे को सोशल वर्क में कुछ करना है, तो अपना अर्निंग छोड़ के भूल जाते हैं, उसके बाद में फिर उनको काफी तकलीफ होती है और वो फिर वो सक्सेस नहीं हो पाते। मुझे लगता है कि अगर पहले खुद अपना खुद के लिए कुछ करें और उसके बाद में स्वयं को पहले मजबूत करना पड़ेगा, उसके बाद में तो अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। और आपके एजेंडा में क्या है अभी, क्या सोचते हैं कि मेरे को अगले 5 साल 10 साल में कुछ अचीव करना है? ये तो अभी ये तो ऐसा मतलब लिखना तो बहुत है, क्योंकि इतने सारे सब सब्जेक्ट के ऊपर मैंने मतलब सोच के रखा हुआ है, मटेरियल कलेक्ट किया हुआ है, तो उसको लिखना एक डेफिनेटली एक है। और हमारा जैसे इंडियन बिजनेसमैन के तरफ जितने लोग आते हैं हमारे पास, तो उनको हैंड होल्डिंग करके आगे बिजनेस में, उनको उनके बिजनेस चालू करने में उनको हेल्प करना। हम कितने लोगों को बीइंग अ कंसल्टेंट, हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट फ्री में बना के देते हैं, चलो भाई तुमको हम फ्री में देते हैं हमारे तरफ से, क्यों करो। तो ये ऐसे बहुत सारे चीजें हैं कि जो आदमी कर सकता है। तो आत्मनिर्भर होने के लिए आदमी ने पहला अपना इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आने के लिए लोग काम करते रहे और फिर बाकी फील्ड में भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने हमसे बात किया, और उम्मीद करते हैं कि हमारे साथी सारे साथी लोगों को जो है ये बड़ी प्रेरणादायी बातें रही होंगी, और जिनको भी बिजनेस और इकोनॉमी के बारे में या जो बैंकिंग सिस्टम के बारे में जो अनिल जी से वो बात कर सकते हैं, उनको लिख भी सकते हैं, और अम्बेडकरवादी लोगों को भी जो है अलग अलग स्ट्रीम्स में जाना चाहिए, वो एक अच्छी बात हुई, क्योंकि जितनी हमारे लोगों में वैरायटी होगी उतना समाज के लिए ज्यादा लाभ होगा। तो अगली बार फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए एक बार फिर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जय भीम।